नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो हमें शुभ अशुभ का पूर्वाभास करवा सकता है, अर्थात संकेत देता है किसी भी शुभ अशुभ घटना के होने का। आज मैं आपको ऐसे ही कौवे से जुड़ी कुछ विशेष तथ्य बताऊंगा, जिसमें आप भविष्य में कौवों द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को पहचान सकोगे। प्रिय भक्तजनों, शकुन अपशकुन शास्त्रानुसार कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो शुभ अशुभ का पूर्वाभास सबसे पहले लगा लेता है, जिसके कारण कई बार वह ऐसे संकेत देता है जिसको हम कई बार समझ नहीं पाते। तो चलिए अब मैं आपको कौवों से जुड़े कुछ शुभ संकेत बताने जा रहा हूँ। संकेत नंबर एक, अगर आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में अचानक आपको कोई कौवा मुंह में रोटी पकड़े हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ है आपकी कोई बड़ी इच्छा जल्द पूरी होगी। संकेत नंबर दो, अगर सुबह सुबह कौवा आपके घर की छत पर बैठकर बोले, तो इसका अर्थ है कि आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत जल्दी वृद्धि होने वाली है। शुभ संकेत नंबर तीन, अगर आपको कभी कौवा ज़मीन खोदता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाएं कि बहुत जल्द आपको धन लाभ होने वाला है। संकेत नंबर चार, प्रिय भक्तजनों, कौवा अगर पानी पीते दिखाई दे, तो यह भी संकेत करता है कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। शुभ संकेत नंबर पाँच, दोपहर होने से कुछ पहले अगर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठा हुआ कौवा बोलता हुआ दिखाई दे, तो यह स्त्री सुख मिलने का संकेत करता है। प्रिय भक्तजनों, ये तो थे कौवों द्वारा दिए जाने वाले शुभ संकेत अर्थात शुभ शकुन। अब बात करेंगे कुछ ऐसे अपशकुन जो कि कौवों द्वारा सुनाई या दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर स्थिति में कौवा जो है केवल शुभ संकेत दे या शुभ संकेत ही कौवों द्वारा दिए जाने वाले अक्सर सत्य साबित होते हैं। कौवों द्वारा दिए जाने वाले अशुभ संकेत भी आपको ध्यानपूर्वक सुनने चाहिए, क्योंकि पौराणिक शास्त्र शकुन अपशकुन के अनुसार कौवा अगर कोई अपशकुन का संकेत दे रहा है, तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कौवों द्वारा दिए जाने वाले अशुभ संकेत भी खाली जाएं इसके बहुत कम संकेत होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कौवों द्वारा दिए जाने वाले अपशकुन या अशुभ संकेत के बारे में। प्रिय भक्तजनों, अपशकुन नंबर एक, अगर कभी भी आपको कौवा जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बोलता हुआ दिखाई दे, तो यह किसी न किसी प्रियजन की मृत्यु का संकेत करता है। अर्थात लगातार कौवे का दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बोलना अशुभ संकेत देता है। अपशकुन नंबर दो, कौवे के साथ मृत्यु का संबंध पुरानी लोकाचारी है। अर्थात कौवा अगर एक विशेष स्थिति में विशेष अपशकुन दे, तो उसको अशुभ माना जाता है। अपशकुन नंबर तीन, अगर किसी व्यक्ति विशेष को बार बार कौवों का सामना करना पड़ रहा है, और तो हो सकता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का काला जादू का साया हो सकता है, इसलिए आपको इनसे सावधान हो जाने की ज़रूरत है और आपको भविष्य में सतर्क रहने की भी आवश्यकता होती है। प्रिय भक्तजनों, अब बात करते हैं कौवों के साथ पितरों का किस प्रकार से संबंध है। प्रिय भक्तजनों, कौवे जो होते हैं पितृ देवताओं के साथ भी
इनका संबंध माना जाता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जब भी ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है तो उससे पहले कौओं के निमित्त रोटी अवश्य निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के दिनों में हमारे पितर जो हैं कौवे का रूप धारण कर आते हैं और हमारे द्वारा दिया गया वह भोजन स्वीकार करते हैं। इसलिए श्राद्ध के पक्ष में कौओं को रोटी अवश्य देनी चाहिए, और अगर वैसे तो आप नित्य रूप से भी उनको रोटी दें तो इससे घर में पितृ दोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। प्रिय भक्तजनों, आशा करते हैं वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का निशान दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता की, माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करें।